तो रुको जरा, सबर करो। हेलो फैमिली, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं सीबी में एक और आर्ट एग्जीबिशन लेके। तो आज हम उसको पूरा टूर कराने वाले हैं। सो कम ऑन। सो गाइज, मेट्रो रूट और लोकेशन के लिए वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं एंट्री फीस की बात करूँ तो यहाँ पे फ्री एंट्री है और यहाँ का टाइमिंग 10 AM टू 7 PM तक है। सो हियर वी आर। इस आर्ट गैलरी में सारी पेंटिंग्स वर्क बहुत फाइन और इल्यूजनरी थे। बहुत 3D इफेक्ट था सारी पेंटिंग्स में, ऑलमोस्ट पेंटिंग्स में। और जो मेरे पीछे ये पेंटिंग है, इसमें अगर आप ध्यान से देखना तो इसके पीछे बुद्धा बना हुआ है और वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करके एक पेंटिंग बनाई गई है। और इन सब पेंटिंग्स के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि वाइब्रेशन, रेस्ड, मेडिटेशन। इस पेंटिंग में आप कलर्स देखें, कितने ज़्यादा मर्जिंग कलर्स हैं और कितने ज़्यादा फाइनली इसको बनाया गया है। और इसके स्ट्रिप्स ये बिल्कुल 3D लुक भी दे रहा है। यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट 3D लुक वाली थी और सारी ब्लैक होल और आउट ऑफ ओरिजिन चीज़ें बनाई हुई थी इन्होंने। अब हम ऊपर, इसका नेक्स्ट फ्लोर है, हम उस पर जा रहे हैं। जैसे ही मैंने ये देखा, माइंड योर हेड, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, ओ यार सॉरी, तेरे लिए तो है ही नहीं है, तू तो छोटी है। सो हमें ये बहुत पसंद आई। अब यहाँ पे हम टड़ा टड़ा ये करते थे। हाँ गाइस, ये पेंटिंग देखो, ये रेस पेंटिंग है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो जितने भी पीछे ये कलर्स हैं वो सारे डार्क हैं और जितने आगे ये कलर हैं वो लाइट है। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके थोड़ा सा रेस दिखे, इसलिए ये रेस पेंटिंग है। और मैं ये एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे सारी पेंटिंग सिर्फ एक्रेलिक की है। ये सारी कैनवासेस पे एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किया गया है और एक्रेलिक पेंट को हैंडल करना उतना ही टफ होता है। और ये सारा बहुत 3D इफेक्ट के लिए, लाइक ये सिर्फ आर्टिस्ट समझ सकता है कि अगर हम छोटी भी पेंटिंग बनाते हैं तो इसमें कितनी मेहनत जाती है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स में बहुत प्यारी थी। इट इज़ लिटरली वर्थ ऑफ योर टाइम। और जो ये पेंटिंग है, ये मेडिटेशन पेंटिंग है, तो एक्रेलिक लवर्स, दिस इज़ वर्थ ऑफ योर टाइम। तो यहाँ पे ज़रूर आए। मेट्रो रूट है, आपको राजीव चौक उतरना है और इसका नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल रही हूँ, लेक्सिकन आर्ट। आप यहाँ पे गूगल से करके आ सकते हैं, ये सीपी में ही पड़ता है आपके। सो हमने यहाँ से एग्जिट की। सो वी हैड ग्रेट टाइम हियर। हाँ गाइस, दिस इज
फॉर ऑल और ये मेक्सिकन आर्ट बहुत अच्छा था। इसमें सारी पेंटिंग एक्रेलिक थी और सारी इंडिविजुअल्स वाली थी, तो जिनको एक्रेलिक पेंटिंग से सुना होगा ये बहुत पसंद आने वाला, जैसे कि मुझे। और आप अपने रिव्यूज बताएं। बेसिकली जिनको एक्रेलिक पेंट पसंद है उनको तो ये मस्ट विजिट करना चाहिए, पर जिनको नहीं भी इतनी पेंटिंग समझ में नहीं आती जैसे कि मुझे, उनके लिए भी ये बेस्ट जगह है, थोड़ा माइंड काम हो जाता है, तो इट इज़ वेरी गुड। आओ मेक्सिकन आर्ट। बाय बाय।